आगरा जयपुर हाउस भाजपा ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष विजय शिवहरे के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के दिग्गजों की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाज के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने 2017 में भाजपा का कमल खिलाने के लिए वाल्मीकि समाज की एकजुटता का एहसास कराते हुए देश व प्रदेश में वाल्मीकि समाज के व्यक्ति का हित भाजपा में बताया तो जोश और उत्साह से लबरेज भाजपा आगरा महानगर अध्यक्ष काफी उत्साहित नजर आए। भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर और जिला ब्रज क्षेत्र के अंदर वाल्मीकि समाज के लिए अपने तखत चौधरी, अपने कमल वाल्मीकि जी, मान सिंह जी, जल्लूमल जी, सब लोग यहाँ बैठे हैं। मुन्ना लाल जी, आजाद जी, सब लोग बैठे मेरे अपने समाज के लिए आह्वान कि पूरा समाज एकजुटता के साथ परिचय दे और सपा बसपा को बहुत देख लिया और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वाल्मीकि समाज के कुछ कार्यकर्ताओं को भी टिकट दिया, ऐसी शुरुआत कर दी वाल्मीकि समाज के लिए। और कुछ लोग अब पार्टी के अंदर आते हैं और सौदा ले लेते हैं, फिर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, ये नहीं अब चलेगा। बैठक में समाज को एक मंच पर लाकर भाजपा का कमल खिलाने की पहल करने वाले मान सिंह चौधरी, वाल्मीकि समाज की उन्नति के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले झिल्लो राम वाल्मीकि और ब्रज क्षेत्र में हिंदुत्व एकता पर बुलंद आवाज से वाल्मीकि समाज को एकजुट करने वाले कमल वाल्मीकि सहित समाज के अन्य वरिष्ठ व्यक्तित्व ने भाजपा के महानगर अध्यक्ष विजय शिवहरे को भरोसा दिलाया है कि वाल्मीकि समाज हमेशा ही भाजपा का वोटर रहा है और मरते दम तक समाज कमल को खिलाने में अपनी महती भूमिका निभाता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने हमें सबसे आज तक कांग्रेस ने कोई समर्थन नहीं दिया, सबसे पहले समर्थन हमें भाजपा ने दिया और भाजपा ने ही उठाया और भाजपा ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। मैं भी भाजपा ने देर मैंने बनाया, भाजपा ने बनाया, वो बाद में वो अपने किसी कारणों पर चले गए धंधे नाते से, तो जो उसमें उन्हें बहुत ही बुरा करा। आज भाजपा ने क्या ही समर्थन दिए, हमारा पूरे मंडल आगरा ब्रज क्षेत्र पूरे भारतीय जनता पार्टी आस्था रखता है, हम भारत को जिताने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं और पूरे करते रहेंगे। हम अभी BSP में हमारे कुछ भारतीय समाज के लोग रहे उसमें शामिल, वो कुछ ले आ रहे हैं, उनको कुछ ही मिल लिया है, BSP में आता कुछ ही दिया। अभी मेरा फोटो भुट्टो से में जो दिया गया है वो नाजायज है, हम भुट्टो में रखा दी भाई अब तक हमारी जो तुम फोटो वहाँ से खींचा गया है वो गलत है, बिल्कुल निर्धार गलत है। सबसे पहले देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा था, लक्ष्मण बंगारू जो वाल्मीकि देहांत के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, किशन सिंह दिलेर को दो बार सांसद बनाया और बहुत ही मतलब कार्य किए सामाजिक स्तर से। आगरा में इंद्रजीत आर को भारतीय जनता पार्टी ने महापौर बनाया, कमल सिंह वाल्मीकि को ब्रज प्रदेश मंत्री बनाया। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये पार्टी ऐसी है, ऐसा लगता है कि ये एक परिवार है, पूरा वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर आज तक है और आगे भी रहेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय विजय सवारे जी को समाज की ओर से आश्वासन देता हूं कि जैसे 2014 में राम शंकर जी के चुनाव में एक मुश्त एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा, इसी तरह अब भी पूरे ब्रज क्षेत्र में, आगरा जिला में, आगरा महानगर में एक मुश्त वोट पड़ेगा। मैं पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि चाहे तो वो बूथ पे निकाल के देख लें। उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद के चुनाव दूरों पर चल रहा है प्रचार, उसमें वाल्मीकि समाज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार भी कर रहा है और मतदान भी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वाल्मीकि समाज को हर तरह से सम्मान देती है, टिकट देती है, विधायक चुनवाती है, मेयर बनवाती है, पार्षद बनवाती है,
और एमपी भी सांसद भी बना थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने आज भी कम से कम 3 से लेकर के 5-6 आदमी तक बार्मिक समाज को जो विधानसभा में टिकट दिए हैं, आपके आदरस के आदरस में दिया है, खुर्जा में दिया है और खैर अलीगढ़ के खैर में दिया है और उसके अलावा और अन्य वाल्मीकियों को भी उन्होंने टिकट दे करके समाज का सम्मान बढ़ाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बैठक में मंच से भाजपा का कमल खिलाने की हुकार भरने वाला वाल्मीकि समाज 2017 के विधानसभा में यूपी के इस रण में अपनी कैसी भूमिका भाजपा के लिए अदा करता है, यह तो चुनावों का नतीजा तय करेगा। बहरहाल आगरा भाजपा के महानगर अध्यक्ष विजय सेवारे को वाल्मीकि समाज का मिला आश्वासन भाजपा के प्रत्याशियों के लिए अवश्य वरदान साबित हो सकता है। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट। युवा सोच, युवा जोश, युवा सोच, युवा सोच, युवा जोश, युवा सोच। वोट देना सबका कानूनी अधिकार है, आपके वोट से आएगा बदलाव, समाज सुधरेगा, कम होगा तनाव, राष्ट्र का जो उत्थान करे उसी को हम मतदान करें। आपका वोट आपकी आवाज है, लोकतंत्र का यही आधार, वोट न कोई हो बेकार। युवा हो तुम देश की शान, जागो उठो करो मतदान, जन जन की यही पुकार, वोट डालो अब की बार, एक वोट से करो बदलाव, नेताजी के बदलो हाव भाव, सही उम्मीदवार का ही चयन आपके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सकता है। युवा समाज सेवी गौरव बंसल। ऐसा बल भी मत देना।